बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल एक बहन की तरफ से आया है। उनका सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक मकान का सौदा 30 लाख रुपये में किया। मकान मालिक को मैंने सिर्फ 5 लाख रुपये दिए। अब मैं ये मकान 32 लाख रुपये में बेच रही हूँ। अभी मैंने मकान मालिक को पूरी कीमत नहीं दी है, तो क्या ये सौदा मेरे लिए हलाल है या हराम है? देखो, जिस बहन ने ये सवाल किया है, शरीयत के अंदर कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हो या बेच रहे हो, उसके ऊपर आपका कब्ज़ा यानी कंप्लीट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ के ऊपर आपका कंप्लीट जो है कंट्रोल है, तो वो चीज़ आप ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो सवाल पूछे हैं, इसका जो जवाब है, ये अल्लामा यूसुफ़ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 8 पेज नंबर 52, सेम ऐसे ही जैसे आपने जो है सवाल पूछा था, ऐसे ही किसी ने हज़रत से सवाल पूछा तो हज़रत ने लिखा, जो चीज़ ख़रीदी जाए जब तक उसको उसूल करके उस पर कब्ज़ा ना कर लिया जाए, उसका आगे फरोख्त करना जायज़ नहीं। दुकान, मकान, प्लॉट का भी यही मसला है, जब तक उन पर कब्ज़ा ना हो जाए उनकी फरोख्त जायज़ नहीं। गोया उसूल और कायदा ये ठहरा कि कब्ज़े से पहले किसी भी चीज़ को फरोख्त करना सही नहीं। अब एक फ्लैट का आपने सौदा किया है 30 लाख रुपये में, भले आपने उसको 5 लाख रुपये दिए हो, अब बाकी का जो पैसा है वो आपके ऊपर कर्ज़ है, आपके ऊपर उधार है, लेकिन सामने वाले ने अगर उस घर के ऊपर आपको कब्ज़ा दे दिया, कंट्रोल दे दिया, या कोई पेपर वगैरह आपको बनाकर दे दिया, नोटरी वगैरह, कि आप दोनों के दरमियान में ये सौदा हो चुका है और वो चीज़ आपके कब्ज़े में, यानी फ्लैट आपके पूरा कंट्रोल में आ गया है, तो उस सूरत के अंदर आप वो फ्लैट किसी दूसरे को 32 लाख रुपये में बिल्कुल फरोख्त कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल बेच सकती है। क्योंकि आपके ऊपर जो 25 लाख है वो जिससे आपने ख़रीदा है उसका कर्ज़ा है, लेकिन जो चीज़ आपको बेचनी थी वो अभी आपके कब्ज़े में आ चुकी है, तो इस सूरत में आप उसको बेच सकती है। और अगर सूरत ये है कि आपने उसको 5 लाख तो दे दिए, लेकिन उसने ये कहा कि जब तक तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दोगी, मैं उस वक्त तक फ्लैट पर आपको कब्ज़ा नहीं दूँगा, या उस वक्त तक जो है मैं आपको कोई भी पेपर बनाकर नहीं दूंगा, तो क्योंकि इस सूरत के अंदर सामने वाला जो है उसका और आपका मुआमला अभी, यानी वो चीज़ उसने आपके कब्ज़े में नहीं दिया है, तो इस सूरत में आप किसी और को नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकती? आपने किसी और से 32 लाख में उसका सौदा किया, आपके पास उसका कोई पेपर नहीं, कोई मुआहदा नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई नोटरी नहीं, और आपने दूसरे से 32 में सौदा किया, और जिसको जिसने आपसे 25 में, यानी जिसको आपने 5 लाख रुपये जो बयाना है वो दे दिया था एडवांस, मान लो उसने आपको आपके 5 लाख रुपये लाकर दे दिया, और उसने कहा, बोले भाई मेरे को बेचना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई पेपर तो बना हुआ नहीं था। अब अगर आपको उसने 5 लाख दे दिया लाकर, और आपने किसी और को 32 में उधर ज़ुबान दे दी, और अब वो 32 वाला आपसे लड़ाई झगड़े करने लग जाए, तो मुझे आप बताओ इसका हासिल क्या होगा? इसमें लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, और अगर ख़रीदने वाला आपका रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी के अंदर फिर इख्तलाफात पैदा होंगे। तो इसलिए इस्लामी शरीयत के अंदर मुआमलात बिल्कुल क्लियर है कि सामने वाले ने अगर आपको तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया, हाँ ये 5 लाख रुपये में मैंने ये जो फ्लैट है ये तारीख को मैं तुम्हारे नाम पे करके दे दूंगा, और अभी फ़िलहाल मैंने 5 लाख रुपये ले लिए हैं, अगर उसने एक 500 रुपये के बॉन्ड पेपर पे नोटरी भी दे दिया, उस सूरत के अंदर कानूनी तौर पे भी अब आपका उस पर कब्ज़ा हो गया, भले उसके पैसे बाकी है, अब आप किसी को भी बेच सकती हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बग़ैर कब्ज़े के और बग़ैर पेपर के वो आपके लिए बेचना बिल्कुल सही नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम को मसाइल पूछ पूछ कर मुआमलात करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।